आइए बच्चों, अब हम सर्वनाम का दूसरा भेद यानी कि निजवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे। निजवाचक सर्वनाम बच्चों व्यक्ति की निजता को दिखाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। निजवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो व्यक्ति की निजता को दिखाते हैं। देख लीजिए कि जिन शब्दों का प्रयोग कार्य करने वाले व्यक्ति की निजता के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझे आप कि जो व्यक्ति कार्य करने वाला है, कार्य करने वाले व्यक्ति की निजता के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जिनको प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों को, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप उदाहरण से समझेंगे। देखिए, जैसे मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ, मैं काम करने वाला करता हो गई, तो मेरे लिए, मेरी निजता के लिए, मेरी प्राइवेसी के लिए कौन सा शब्द यूज हुआ? खुद। कि मैं अपना काम खुद या स्वयं करती हूँ, तो खुद जो शब्द आया है, स्वयं जो शब्द आया है, वह निजवाचक सर्वनाम है। और मैं अपना, अपना भी इसमें क्या हो गया? निजवाचक सर्वनाम का शब्द है। ऐसे आगे देखो, रमेश अपनी दवाई स्वयं लाता है, है ना? कि रमेश अपनी अपनी दवाई स्वयं लाता है। तो ये शब्द क्या है? कार्य करने वाले व्यक्ति की निजता, प्राइवेसी के लिए प्रयोग किए गए हैं। कौन कौन से? रमेश अपनी दवाई खुद, अपनी और खुद। तो ये क्या हो गया? निज का मतलब क्या है? प्राइवेट, प्राइवेसी। तो जो प्राइवेसी शो करें, जो वर्ड प्राइवेट, प्राइवेसी दिखाएं, प्राइवेसी शो करें, वो है निजवाचक सर्वनाम के शब्द। समझ गए कि मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ, मैं अपना 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 सारा काम खुद, ये क्या हो गए? अपना और खुद, निजवाचक सर्वनाम के शब्द। समझ रहे हो? इनसे हमें पता चल रहा है कि हम अपने आप अपना काम कर रहे हैं। कि जिन शब्दों से ये पता चले कि कोई व्यक्ति अपना काम खुद कर रहा है, ये सीधी सी पहचान है। कि जिन शब्दों से ये पता चले कि कोई व्यक्ति, चाहे पुरुष है या स्त्री है, बच्चा है, कोई भी है, अपना काम खुद स्वयं सेल्फ कर रहा है, तो वह है निजवाचक सर्वनाम। ओके, कॉन्सेप्ट इज क्लियर? पता ना बाम।